इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेन थिंग जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट मेन थिंग क्या आती है, दैट इज क्रिएटिव वर्क। ठीक है, आप उसमें इन्वेंशन डाल सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सो नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है इसमें? ठीक है, सबसे मेन चीज आती है आपके माइंड ने कुछ क्रिएट किया है, कुछ इन्वेंट किया है, दैट इज व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपको पता है इस पूरे सेशन का मेन क्या रीजन है कि हम सेशन ले रहे हैं? वी हैव आईएसएल। ठीक है, इस आईएसएल के अंदर आप लोग कुछ भी इन्वेंट कर रहे हैं इस दिमाग को यूज करके। ठीक है, इवन अ सिंपल प्रोजेक्ट जो आप बनाते हैं, आपने एक न्यू आइडिया प्रेजेंट किया है, तो आप उसको आईएसएल अपने कॉलेज के आईएसएल के थ्रू पेटेंट करा सकते हैं, उसके राइट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। आपको अगर खुद जाना पड़ेगा ना किसी पेटेंट कराने के लिए, यू हैव टू स्पेंड द मनी, मतलब काफी ज्यादा पैसा लगेगा, बट अगर आप कॉलेज के थ्रू करेंगे तो क्या होगा, आपको पैसे कम मिलेंगे और ये चीजें आसान हो जाएंगे। मेन बिजनेस का ये है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सब अभी यहाँ पे क्या है, आपका माइंड यूज होगा और क्या बनेंगे, ये क्या क्रिएट करेंगे, न्यू प्रॉपर्टी क्रिएटिंग जो क्या होगी। सो क्या होगा नेचर उसका, क्रिएटेड बाय ह्यूमन माइंड। देन इसमें क्या है, इंटेंशन। ठीक है, आपके माइंड से क्रिएटेड जो चीज होगी वो ऑलवेज क्या होगी, इंटेंजिबल होगी। ठीक है, और इसका कुछ यहाँ फॉर टाइम भी आप इसको इतना समझ करिए कि आपके पास क्या है, कुछ भी प्रॉपर्टी है जो क्रिएटेड बाय व्हाट, माइंड है, वो क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। नाउ अब क्या आता है, दो चीजें आती है, अभी तक मैंने बात कर दी आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब क्या है, जब आपने एक आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना ली, अब उसको अपना कैसे बनाना है। ठीक है, जब आपके माइंड में कोई चीज आ गई, आपने इंटेलेक्चुअल बन गए, आपने एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली, देन आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, तो आप जमीन जायदाद जो मिलती है आपको क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्री करते हो, वैसे ही आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसकी क्या करनी पड़ती है, राइट्स देने पड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आईपी राइट। इंटेलेक्चुअल की जो प्रॉपर्टी है उसके राइट्स जो होते हैं उसके बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब आपने कोई इन्वेंशन कर दी, आपने यहां रख दी, ये मेरी इन्वेंशन है, वो आपकी नहीं है, वो लीगल नहीं है, वो यहाँ बड़ी है, वो आपकी नहीं है, आपने दिमाग से डिजाइन क्रिएट कर दिया है, वो तब तक आपका नहीं है जब तक आप उसकी क्या नहीं लेते हो, आप बाजार में घूमते रहो कोई मानेगा नहीं, आप किसी को बेचने जाओगे ना, आपने बोला मैंने एक लोगो डिजाइन किया, तो आपने कोई बिल्डिंग का कुछ स्पेशल डिजाइन किया है, आपने कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है आपके द्वारा बनाया हुआ है, आपका डिजाइन है, आप उसको बाजार में बेचने जाओगे, खरीदने वाला खरीदेगा ही नहीं, एक्चुअल में बायर हो, वो कभी नहीं खरीदेगा, वो बोलेगा मैं कैसे मानूं कि ये आपकी है, आप तो किसी का बना सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका राइट्स जो है वो क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, मीन टू से आपको गवर्नमेंट में वो डिजाइन, वो जो भी आपने कोई म्यूजिक भी क्रिएट किया है, कोई फिल्म भी बनाई है, वो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या देगा, आपको राइट्स देगा, देन आप उसको बेचोगे तो आपको क्या मिलेगी, लॉयल्टी या फिर क्या मिलेगा, आपको नेम मिलेगा। ठीक है, हमारे पास अब क्या है, मेजर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? हमारे पास पहले जो चीज आती है जो आप लोग अभी के टाइम पे आराम से कर सकते हो, वो क्या चीज है आपके पास, और कॉपी राइट जितने भी सीएससी के बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए वो क्या चीज है। ठीक है, वाई, क्योंकि शायद आपको पता होगा, मैं आपको जब भी प्रेजेंटेशन बच्चों को लेता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ चला लिया उसको, दस का मुझे कॉलेज भी कुछ चल रहा है, आप भी कर सकते हो, वैसे वो भी लीगल है, आप बोलो, हाँ कमर्शियल नहीं है, बट मेन रीजन क्या है, आप उसको किसी भी पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे, क्या वही चीज आपने क्या की, अपनी प्रेजेंटेशन फेसबुक पे डाल दो अपने, जिस जिसका सुनने वाली बात है, आपने जैसे वो फेसबुक पे डाली अपनी प्रेजेंटेशन,
क्या होगा, पब्लिक डोमेन में आ गई, जिस जिस जगह से आपने वो कॉपी किया होगा क्या होगा उसका, आपको आपके ही उसी को जो जिस जगह पब्लिश किया होगा वहीं पे जिस बंदे का वो रिटन मटेरियल होगा वो नीचे लिखेगा रिलेटेड, अदरवाइज आई विल सेंड यू नोटिस। ठीक है, जब भी चीज किसी पब्लिक डोमेन में आती है तब क्या होता है, तब वहां पे कॉपीराइट होता है। ठीक है, अभी तक आप पब्लिक डोमेन में ला रहे, आप प्रेजेंट कर रहे, लिख कर रहे, घर जा रहे, आप किसी पब्लिक डोमेन में नहीं जा रहे। इवन जब आपको ये आपको पता होना चाहिए, जब भी आप अपनी कभी फाइल ही क्रिएट करते हैं, आप लाते हैं फाइल बना के, वो फाइल भी आप हार्ड कॉपी सबमिट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इवन वो भी क्या होनी चाहिए, कॉपीराइट नहीं होनी चाहिए, वो एक्चुअल में आप जब यहाँ सबमिट करा रहे हो पब्लिक डोमेन में आ रही है। अगर वो हम सबमिट आगे किसी को करवा देंगे और वो उसको किसी के हाथ लग गई जिसने वो बनाया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आपका नाम लिखा हो साइन बाय यू एंड मी, तो हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट, ये होता है कॉपीराइट, जिसको आप लोग कभी भी देखते नहीं। अब आप लोग सर बचना कैसे है, इससे बहुत अच्छे तरीके हैं। जब भी आप किसी भी इंटेलेक्ट का काम चुरा रहे हो या लिख रहे हो उसको इज्जत दो, क्या दो, बस वो यही चाहता, आप उसके काम को मेंशन करो कि ये मेरे दोबारा नहीं किया गया, ये उसका पेपर था, यहां से मैंने उसका कंटेंट लिया है और ये उसकी रेफरेंस है। जो आपकी किसी भी प्रेजेंटेशन में नहीं होती। ठीक है, तो अब आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, देन वी हैव रिलेटिव राइट्स, वो आगे की बात है, उसमें क्या आता है, कॉपीराइट्स के साथ रिलेटिव राइट्स में क्या आता है, और भी राइट्स होते हैं। अब आपको बताता हूं आपने खुद का कॉपीराइट कैसे क्रिएट करना, किसी को पता है, डू यू नो, किसी को पता है यहाँ पे कि आपने अपना कॉपीराइट बनाना, सपोज आपने कॉपीराइट का मतलब ये नहीं कि आपने जो ये कोई कंटेंट लिखा है वो कॉपीराइट हो जाए, वो कंटेंट कब कॉपीराइट होगा, आपने कोई डिजाइन बनाया है वो कॉपीराइट कैसे करना, आपने कोई एल्गोरिथम कुछ बनाई है उसे कॉपीराइट कैसे करना, किसको लिखते हैं, वेबसाइट होती है इंडिया की, वेबसाइट है copyrightindia.com.in है। ठीक है, क्या है copyrightindia.in है, बट एक और चीज बता, इसको आपने कभी भी खुद से कॉपीराइट नहीं भेजी थ्रू सम इंस्टीट्यूट, हमारा ISSL, आपने ISSL को हेल्प के साथ क्या करना है मुझे। जब भी आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने की 500 रुपीज लगते हैं, कितने 500 रुपीज, आपका कोई कंटेंट है, आपने डिजाइन बनाया, एल्गोरिथम बनाया, जस्ट वहां पे अपनी एल्गोरिथम की पीडीएफ कॉपी बनानी है, वो डालनी है, कॉलेज कौन सा है, उसके ISSL के मेंबर्स कौन है, किसके थ्रू आप भेज रहे हो, बस वो डालना, उसको रिव्यू होने में 1 मंथ लगते हैं, आफ्टर 1 मंथ आपको वहां से रिव्यू आएगा, रिव्यू होने के बाद बताया जाएगा कि इसमें हमें ये और चीज चाहिए। ठीक है, अगर तो आपको पसंद आएगा देन वो उसको फर्दर फॉरवर्ड करेंगे आगे एजेंसीज को, देन आपका क्या आएगा, कॉपीराइट का एक सर्टिफिकेट आएगा कि आपका जो कंटेंट है जो आपने भेजा है दैट मीन व्हाट, डिजाइन आपके लिए क्या होगा, आपका डिजाइन आपकी क्या होगी, CSC के लिए खास कर एल्गोरिथम होगी। ठीक है, या फिर आपने कोई न्यू प्रोसेस क्रिएट किया, किसी काम को करने के प्रोसेस को भी क्या करा सकते, जो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं वो क्या है, जिसको हम अगेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, दैट इज पेटेंट, एंड वी हैव इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क्स एंड ऑल दैट। सो लेट्स डिस्कस यहाँ पे व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉपीराइट। सो अभी तक हमने कॉपीराइट के बारे में समझ लिया यहाँ तक, सो कॉपीराइट किस किस चीज का होता है, क्या देखते हैं, क्या लिखा है, आपने किसी ने पेपर पब्लिश किया आज तक कभी नहीं किया, देखो आप जब भी पेपर पब्लिश करेंगे ना, पेपर पब्लिश किया आपने सबमिट कर दिया कहीं भी सबमिट किया, किसी भी जर्नल में सबमिट किया, कॉन्फ्रेंस में सबमिट किया, once you submit it, they check your plagiarism, ठीक है? उसकी रिपोर्ट भेजेगी, less than 10% plagiarism होगा, तो वो एक्सेप्ट करेंगे पेपर, ठीक है? जैसे ये हो गया,
जब आपकी एक्सेप्टेंस होगी वो आपको एक फॉर्म भेजती है, उस पर लिखा होता है कॉपीराइट फॉर्म। उस कॉपीराइट फॉर्म को आपको फिल करना है, जैसे आप फिल करोगे वो क्या करते हैं पब्लिशर जो होता है वो क्या कहता है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे इसमें जो कंटेंट लिखा है उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी है, आपकी होती है, ठीक है। और पब्लिशर कौन है, मैं पब्लिशर हूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। जैसे वो पब्लिश हो जाएगा ना, अब सुनने वाली बात है, जैसे वो पब्लिश हो जाएगा अगर आपके कंटेंट में कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपने देखे कॉपी किया राइट कॉपी किया हुआ है बट स्टिल वो प्लैगियरिज्म में नहीं है तो वो कौन पकड़ेगा, जिसका वो कंटेंट होगा पब्लिशर नहीं पकड़ेगा, लेटर आपको आएगा, मेल आपकी और एड्रेस आपका, जबरदस्त तरीके से कर रहे हो कि वहां से अगर केस लिखा तो केस तक कॉपी कर लेंगे, वहां बोल रहे मैंने ये रिसर्च इस टाइम की, मैं आपको रिसेंट अभी एग्जांपल देता हूं, आप लोगों की प्रेजेंटेशन हो रही है वहां पे आप लोगों ने क्या लिखा होगा, जिसने भी किया है इन्होंने सर देख लिया वहां पे पाइथन के लिखे हैं कि ये वर्जन है, ठीक है, उन्होंने 3 पे खत्म कर दिया, 3.0 अभी सर्च करो क्या चल रहा है, आपने हद कॉपी किया उसको, वो फोटो तक कॉपी की पर दिमाग में लगाया कि क्या है, अब लेटेस्ट वर्जन और भी आ गया 3.8 3.6 कितना आ गया 3.7 7.7 और 3 पे खत्म कर दिया उन्होंने, इसका क्या है, तो स्मार्ट थिंग्स यूज करो। नाउ इवन आप यहां पर देख रहे हो म्यूजिक किसने क्रिएट किया है वो भी किसने कर सकता है कॉपीराइट, ठीक है। इस सबसे बड़ी एग्जांपल है यूट्यूब, सब चलाते हैं आपका चैनल है किसी का, अगर किसी का चैनल है तो डू वन थिंग, टी सीरीज का कोई गाना आया आपका चैनल क्या बंद, आप कोई म्यूजिक भी जो है बाहर कोई म्यूजिक चल रहा है यूट्यूब पे वो भी कॉपी नहीं कर सकते हैं, उसकी लिमिट है 10 सेकंड, 10 सेकंड है ना, आप 10 सेकंड का एक जो वीडियो क्लिप और लिंकन से साउंड जस्ट यूज कर सकते हैं किसी के कंटेंट से, इससे ऊपर ठीक है। अगर आपको कुछ करना है, आपने खुद से कंटेंट क्रिएट किया है अपलोड करना है यूट्यूब पे, आप क्रिएट करो डालो तो बोला आपने म्यूजिकल टोन क्रिएट किया है यूट्यूब पे डालो, अगर तो किसी ने पहले बनाई होगी ना तो आपको क्या आएगा स्ट्राइक कर, ठीक है, इस लेवल का नाम होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट राइट्स के क्या फायदे होते हैं, सो वी हैव इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट क्या है, मेन चीज ड्यूरेशन क्या है, लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स, ठीक है। किसी भी कॉपीराइट का क्या है ड्यूरेशन, लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स, ठीक है। हर चीज हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो बताना IPR के अलग अलग के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग राइट्स हैं। Now we have patents. What are patents? क्या है patents को बताएगा? क्या होते हैं patents? अब तो लिखा भी आ गया सामने। क्या है patents? जैसे मोबाइल चला रहे हो, क्या है आपके हाथ में? Patents क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो ग्रांट किए जाते हैं किस चीज को, इन्वेंशन को, ठीक है। लाइक आप यहां अगर देखोगे, हम आपने सपोज एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बनाया आपने, सुना होगा आजकल वो देखा था आपने नारियल पानी निकालने का सिस्टम है, अगर तो बना नहीं होगा दैट पर्सन वो डिजाइन प्लस वो इंस्ट्रूमेंट पेटेंट में फाइल करेगा, उसको उस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखेगा पेटेंट, सो वो अपना डिजाइन कर सकता है। आप शायद आई थिंक सबने शार्क टैंक देखा, यस यस शार्क टैंक पे आता शार्क यस सर, उस पे एक बंदा कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आया था, वो कहता है इसका मेरा क्या है पेटेंट। इन चीजों के लिए जो इन्वेंट की जाती है, इन्वेंट की पहले एग्जिस्टिंग नहीं है, उनके क्या होते हैं पेटेंट। उस
डिजाइन का क्या हो सकता है, कॉपीराइट, लेकिन सामने वाले को क्या है, समझे बात, आप उसका डिजाइन कॉपीराइट भी दिला सकते हो बट जब सामने आ चुकी क्या होगा, क्लियर है जी। इसका लाइफ टाइम क्या है, 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स के बाद ये क्या आ जाएगा इन पब्लिक डोमेन। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ चीजें हो गई जैसे किसी साइकिल की बैठी होगी, आगे टाइम पर वो साइकिल कोई भी ना सकता, 20 साल के बाद वो क्या होगा, कोई भी 20 साल तक उसकी क्या मिलेगी उसको, तो कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया तो उस तरह से होता है कि जो चीज है जो आपने बना दी है उसका क्या होगा, पेटेंट मिल गया आपको कुछ टाइम तक के लिए, बट उसके बाद वो क्या आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, अदर जिंदगी में क्या जाएगा, आता रहेगा उसके पैसे, ठीक है। नेक्स्ट, सो ग्रांट ऑफ पेटेंट के लिए क्या है हमारे पास, अगेन इसको फाइल करने के बहुत तरीके हैं, एक तो थ्रू आईसीएल है और एक तरीका होता है जस्ट हायर उसको भी कम से कम 3-4 महीने लगते हैं, ठीक है, पूरी अलग अलग अलग। एक चीज और आई याद रखना, इंडिया में पेटेंट कराओगे और फॉरेन जाके उस पेटेंट के ऊपर किसी को क्लेम करने की कोशिश करोगे वो नहीं हो सकता, वो इंडियन पेटेंट है। अगर आपने इंटरनेशनल पेटेंट सपोज यूके में पेटेंट कराया है तो कुछ कंट्रीज होती है वो ये करती है यूके का पेटेंट है या फिर अगेन आप कहते हो कि मेरा कनाडा का है या फिर कहीं और का पेटेंट कराया है, कहीं कंट्री कराया है, तो एक होता है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज हो जाएगा, एक क्या होता है उस कंट्री के लिए, ठीक है, इंडिया का है इंडिया में रहेगा, इंडिया में फाइल कर सकते हो, आपने इंटरनेशनल करवाना है उसका अलग सिस्टम होता है, ठीक है। सो क्या क्या चीजें पेटेंट नहीं हो सकती है, क्या नहीं हो सकता पेटेंट, ये क्या लिखा है यहां पे, वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ, इनके पेटेंट नहीं होती है। आप बोलोगे न्यूटन का लॉ पहले बताया, ये पेटेंट नहीं होगी, ये हो चुका है, ठीक है, न्यू न्यू चीज कोई भी, ठीक। नाउ वी हैव अगेन, आपने बोला मैं ना मुझे पता है बासमती राइस कैसे उगते हैं उसका तरीका पेटेंट कराने जा रहा हूं और वो कैसे होता है वो भी नहीं होगा, ठीक है, उसका एक और तरीका, वो क्या चीज में आता था वो बाद में, देन वी हैव इंडस्ट्रीज, क्या है डिजाइन, इंडस्ट्रीज के डिजाइन जो है आप उनको भी क्या कहते हैं, लाइक कुछ शेप, ठीक है, शेप्स होंगी, आपने कोई बॉल का एक नया डिजाइन बनाया, कोई शेप बनाया जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, वो क्या होता है, सैमसंग मोबाइल और एप्पल मोबाइल के बीच में जो हुआ, हां जैसे आपने सुना होगा सबसे सही बोला, एप्पल और सैमसंग का कोई डिजाइन कॉपी होकर थे उसमें, तो उन्होंने अपने एक दूसरे को कर दिया कि हाँ ये मेरा है ये मेरा, तो उस तरह से ये चीज भी होती है, ठीक है, लाइक दीज आर व्हाट ये सब क्या है, अपने अपने टाइम के क्या है, डिजाइन जो है एस्टैब्लिश्ड है, इनके अपने अपने क्या है आईपीआर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट है इन सब चीजों के, लेकिन अब ये क्या हो चुका है इंडिया में तो हर चीज का जुगाड़ निकल जाता है, तो ये सब चीजें क्या होगी कॉमन हो चुकी है, 20 साल हो गई, तो आपके सामने सबके सामने निकल रही सब चीजें हैं, इवन ये जो कंधा है ये भी क्या है इसका डिजाइन क्या होगा, ठीक है। सो फॉर्मा फॉर्मा के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, जैसे आपने यहाँ देखो दवाइयां सुनी है जेनरिक दवाइयां सुनी होंगी आपने, उन्होंने भी अपने क्या कराए होते हैं आईपीआर कराए होते हैं, ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड टाइम पे 20 साल के बाद वो जेनरिक दवाई कराता है, ये पैरासिटामोल आज के टाइम पे हर कंपनी ने बनाती है, कुछ दवाई होती है जो क्या करते हो आप डॉक्टर लिखेगा इस कंपनी की दवाई है तो वो वहीं से मिलेगी बिकॉज वो क्या है स्पेसिफिक है उसी का सॉल्ट उसने बनाया है वही देगा, ठीक है, वो एक ही कंपनी की होगी, बट जैसे पैरासिटामोल है सिप्ला बनाता है आजकल में मैक्लोड्स भी बनाता है, ठीक है, वो सॉल्ट क्या हो गया कॉमन हो गया उसके पेटेंट्स और आईपीआर क्या है खत्म हो चुके, ज्वेलरी के डिजाइन, ठीक है, अगेन वो भी सब किसमें आते हैं आईपीआर के अंदर, ठीक है। अब आता है ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं
बताओ ये होते हैं ये क्या है डीबीएस ये क्या है इधर ठीक है आप भी अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करने के बाद कोई ट्रेड क्रमांक प्लस योर नेम रजिस्टर करा सकते हो अगेन वो क्या है आईपी वो कैटेगरी कौन सी है ट्रेडमार्क कैटेगरी में है क्या वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी ठीक है सो वी हैव लाइक दिस कोका कोला दिखा हुआ था चेंज हुआ था ना इस तरह आएगा कोई इसे कॉपी नहीं कर सकता गोदरेज का ठीक है नाउ वी हैव ये क्या होता है ये आता है जो आप बोलते हैं ना अरसपुरा के बासमती राइस राजमा ऑफ कहां के हैं इसे बोलते हैं जी आई क्या बोलते हैं जो बोलते हैं ना आज के टाइम पे अब थोड़ा होगा कभी कभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं ये किसको आज के टाइम पे जी आई का टैग मिल गया जी आई जी आई वो यही है जो हॉस्पिटल इंडिकेशन होती है इसी जगह की वो चीज है तो वो वहीं पे उसी अकॉर्डिंग उगाई जाएगी तो वो क्या होगा जी आई जी ठीक है आपको शायद पता नहीं होगा पूरे इंडिया में आरसपुरा जो है वहां के पास चावल जो है वो फॉर्मल में ट्रेड होते हैं मतलब बाहर जाने के लिए वो ही सुटेबल है बाकी पूरे इंडिया में कोई सुटेबल नहीं है क्योंकि वहां का जो केमिकल कंटेंट जो होता है करते हैं वो बहुत कम होता है और उनकी क्वालिटी जो है बहुत हाई है उसको भी जी आई है हर चीज को अलग अलग जी आई तो जैसे आपने सुना होगा पश्मीना शॉल वो भी उस पर्टिकुलर एरिया का क्या होगा जी आई ठीक है इस तरह से हर एक एरिया क्या नहीं होता डिपेंडिंग अपॉन वहां पे कैसे नेचर कैसा है वहां पे बनाने का इवन बनाने का तरीका भी क्या होगा जी आई के अंदर आएगा ये वो बनता कैसे वो भी जी आई के अंदर होता है अब इसकी इसका वैल्यूएशन क्या है टैग ईयर्स ठीक है अब आता है ट्रेड सीक्रेट्स क्या होंगे हिस्ट्री चाहिए कोको कोला की वजह से कुछ पूरा आया था शो में देखा उसमें बताया गया था कोको कोला का जो सीक्रेट है वो एक सेफ में रखा हुआ है उसको सेफ रखने के लिए क्या है इतने करोड़ का पता नहीं क्या है और एक बंदा जानता है बनते कैसे उनका फॉर्मूला क्या है वो क्या हो जाएगा उसमें आ जाएगा ठीक है तो इसकी भी टाइम क्या है 30 इयर्स है ठीक है सो अब प्लांटेशन ठीक है फॉर्मर राइट्स होते हैं ये क्या है कि आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांटेशन कैसे करनी एक पर्टिकुलर एरिया में आपने एक पेड़ को उगाना कैसे है इनके भी क्या है राइट्स हैं वो भी आप क्या कर सकते हो प्रिजर्व कर सकते हो ये जो चीजें हैं ये एक इंटेलेक्चुअल नहीं कह सकते आप लेते हैं ये एक स्टेट करती है इस एरिया में हम इस तरह से ग्रो करते हैं तो वो उस राइट को प्रिजर्व कर लेते हैं ठीक है So this is all from my side. Any questions? Koi question? Sab samajh aa gaya? Thank you. For a valuable session and spending time on imparting us with the knowledge. I take immense pleasure in extending my sincere thanks to the Director Sir, YCD, HODs and students for their enthusiasm in the program. Thank you all dignitaries for the presence. Thank you so much.